हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है फलन, यानी कि फंक्शन। तो चलिए जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन देखिए, यानी कि ये कैसी कुछ क्रिया होती होगी, किसी नियम के अधीन कुछ होता होगा जिसे हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ और फिर मैं आपको इसे समझाता हूँ, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से दे सकते हैं। मान लेते हैं, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय का मतलब समझ रहे हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ अवयव है, कोई ना कोई इसमें अवयव है, यानी ये ऐसे समुच्चय कि इसमें कोई ना कोई अवयव है, अरिक समुच्चय है। तो ए से बी में यानी कि समुच्चय ए से बी में फलन एक रूल है। तो ए से बी में फलन क्या होता है? एक नियम है जो ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे उन सभी को, समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन सभी को अद्वितीय अवयवों से संबंधित करता है। देखिए, अब परिभाषा में क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ए और बी अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए उस सेट में, ठीक है, उन दोनों समुच्चयों में। तो फलन जो होता है ए से बी में एक नियम होता है, एक रूल होता है जो क्या करता है कि ए के सभी, यानी ए समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों को बी के अद्वितीय अवयव यानी कि उसके यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड करता है, संबंधित करता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहां पर मैं एक समुच्चय ले लेता हूं ए, जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और मैं एक सेट ले लेता हूं बी जिसका 4, 5 एलिमेंट है, ठीक है। मैं यहां पर एरो डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सेट ए है, सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एलिमेंट है 4, 5। मैं क्या करता हूं कि एक अवयव का प्रतिबिंब मान लेता हूं कि 4 हो रहा है, ठीक है, 2 का 5 हो रहा है, 3 का भी 4 हो रहा है, और 4 का यहां 5 हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए मैं इसे F से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि F जो सेट हमारा होगा इसमें 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का है 4 के साथ, है ना जी, और 4 का है 5 के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं कि समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, हर एक अवयव इस समुच्चय के अवयवों के साथ किसी संबंध द्वारा संबंधित है, किसी नियम के द्वारा संबंधित है, और वो नियम क्या है? F है। अब जो भी इनके बीच में रिलेशन रहा होगा, कोई भी, 1 4 के साथ संबंधित हो रहा है, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ, और 4 5 के साथ, तो इसमें कोई ना कोई एक नियम लग रहा होगा जिसके अधीन ये संबंधित हो रहा है। तो परिभाषा से क्या है कि इस समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे सबका उसमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए, हाँ, और वो क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब यूनिक अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए, ठीक है। देखिए, 1 4 के साथ, 3 4 के साथ, अच्छा, यूनिक कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसा ना हो कि इसमें कोई एक ऐसा अवयव हो जिसके 1 से अधिक प्रतिबिंब मिले, ऐसा ना हो कि 1 4 के साथ संबंधित हो, 1 5 के साथ, तब वो फलन नहीं होगा। इस परिभाषा को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, कि यदि F, या हम लिख सकते हैं कि F, इसे हम लोग नियम कह देते हैं, नियम F A से B में एक फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? तो देखिए, जब अगर F A से B में फलन कहलाता है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे आप? फंक्शन F कॉलन दे देंगे A लिख के, एरो देकर इस तरह से B, इसको क्या पढ़ेंगे? F A से B में एक फलन है, इसे क्या पढ़ेंगे?
एफ ए से बी में फलन है। तो ये फलन कब कहलाता है, तो इसमें कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान देने होंगे, उसको ध्यान रखेंगे। पहले पहले तो ए तथा बी, ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो। क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है ए से बी में फलन होने के लिए कि ए और बी अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उसमें अवयव होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव नियम जो हमारे पास इसमें है एफ, नियम एफ के अधीन, नियम एफ के अधीन बी के अवयवों से संबंधित हो, बी के अवयव से संबंधित हो, संबंधित हो। और तीसरा चीज क्या देखना होगा, ए के किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव का बी में प्रतिबिंब, बी में प्रतिबिंब एक से अधिक ना हो, एक से अधिक ना हो, यानी कि प्रतिबिंब एक से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गया बात को। अब देखिए, या मैंने क्या बोला कि अरिक्त समुच्चय हो, और दूसरा मैंने क्या लिखा कंडीशन कि ए के प्रत्येक अवयव का नियम जो उसमें लग रहा होगा एफ, उसके अधीन बी में उस अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना है कि ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। यानी कि ये दोनों जो देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा इसमें कंडीशन, वो यहाँ अद्वितीयता से आपको पता चल जा रहा है। मैंने पहले लिखा है कि दोनों अरिक्त समुच्चय होना चाहिए और ए के प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो दूसरा कंडीशन हो गया यही कि ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव के साथ संबंधित हो, और अद्वितीय अवयव होने का मतलब हुआ कि समुच्चय में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका बी में एक से अधिक प्रतिबिंब मिले, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, एकदम प्रतिबिंब यूनिक होना चाहिए। ठीक है, हाँ, दोगो का एक ही प्रतिबिंब हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन एक ही अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो यूनिक नहीं कहलाएगा, अद्वितीय नहीं कहलाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए मैं इस पे कुछ एक दो एग्जांपल आपको समझाता हूं ताकि ये सारा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं एक फंक्शन, एक सिंपल एक फंक्शन लेके मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ए सेट है जिसमें अवयव है आपके पास -2, -1, 0, 1, 2। बी सेट लेता हूं और मैं यहाँ पे एलिमेंट देता हूं, यहां पर मान लीजिए मैं लेता हूं 0, 1 और 4। ठीक है, यहां पर देखिए सेट ए, सेट बी, इसमें एलिमेंट -2, -1, 0, 1 और 2 हो गया। इसमें एलिमेंट आप ले लो 0, 1 और 4। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि -2 रख रहा हूं तो मान लीजिए हमारे पास प्रतिबिंब आ रहा है 4, -1 रख रहा हूं तो प्रतिबिंब हो रहा है आपके पास 1, 0 रख रहा हूं फलन में किसी नियम के दिन तो 0 आ रहा है, 1 रख रहा हूं तो 1 आ रहा है, और 2 रख रहा हूं तो 4 आ रहा है। और वो नियम जो एफ लग रहा है कुछ इस तरह से, देखिए हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। यह एक नियम है जिसे हम लोग फलन कहेंगे, कब, जब इसके ये दोनों सेट अरिक्त होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ इसमें अवयव होना चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव बी के साथ संबंधित हो। तो देखो इसमें हर एक अवयव इसके साथ संबंधित है, इसमें कोई एक ऐसा अवयव नहीं है जिसका एक से अधिक इसमें प्रतिबिंब हो, है ना। दो का, मैंने दो का एक ही प्रतिबिंब होता है, लेकिन एक का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तभी वो फलन कहलाएगा। देख लो आप -2 यहाँ पे रखोगे फंक्शन में तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि देखो -2 4 के साथ संबंधित है। -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -2 1 के साथ संबंधित है। 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 0 0 के साथ संबंधित है। 1 रखेंगे फलन में तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 1 के साथ संबंधित है। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 4 के साथ संबंधित है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि इस नियम एफ के अधीन ए से बी में यह एक फलन है, तो इसको लिखेंगे कि एफ ए से बी में क्या है, एक फलन है। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ए से बी में फलन है। फलन इसलिए है क्योंकि मैं ये तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो करते हुए देख रहा हूं कि ए और बी समुच्चय जो है अरिक्त है, यानी इसमें कुछ ना कुछ अवयव है, ए के प्रत्येक अवयव का नियम एफ के अधीन इस सेट में, सेट बी में उसके प्रतिबिंब मिल रहे हैं, है ना। और मैं ये देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं कि इसमें समुच्चय में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब एक से अधिक हमें मिले बी में, ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए यह फलन है। अब देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 और इसमें लिख लेता हूं ए बी,
सी, मैं एक का प्रतिबिंब दो, एक का प्रतिबिंब बी, दो का प्रतिबिंब बी और तीन का प्रतिबिंब सी करता हूं, क्या यह फलन है? तो कहोगे कि सर ये फलन नहीं है। फलन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अवयव एक का इसमें दो को प्रतिबिंब मिल जा रहा है ना, दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल जा रहा है, तो ये फलन नहीं हो सकता है, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। बात समझे ना जी, ये फंक्शन नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अवयव एक का इसमें देखिए दो नियम फॉलो कर रहा है। पहला कह रहा है कि अरिक समूच है, दोनों अरिक समूच है, इसमें देख रहे हैं कि इसमें हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब है, ये भी है, लेकिन इसमें अवयव एक ऐसा एक अवयव एक है जिसका प्रतिबिंब ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए फलन नहीं है। अच्छा ऐसे देखिए, मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, इसमें अवयव एक दो तीन, इसमें ए बी, मान लीजिए एक का ए दो का बी, आप कहोगे क्या ये फलन है? ये भी कहोगे कि फलन नहीं है। देखिए पहला नियम तो फॉलो करे कि दोनों अरिक्त है, इसमें दूसरा नियम नहीं फॉलो करा कि ए के प्रत्येक हो, देखिए अवयव इसका तीन है, इस तीन का प्रतिबिंब उसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये फलन नहीं है। अगर वही तीन का प्रतिबिंब बी कर देते, ए कर देते, तो ये भी फलन हो जाता, क्योंकि इन तीनों नियमों को वो फॉलो करता है, दोनों अरिक समुच है, इसमें हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब मिल रहा है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इसमें एक से अधिक प्रतिबिंब मिले, इस अर्थात ये फलन हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा। अब आपकी बात आती है कि जो फलन दिया जा रहा है तो क्या यह एक रिलेशन भी होता है? तो हाँ ये रिलेशन भी होता है। रिलेशन कब होगा? आपको पता है कि f, अगर यहां कह देते हैं कि f सबसेट हो a क्रॉस b का, तो यहां देखो ये वाला जो f देख रहे हैं a क्रॉस b से ही आया होगा, आप देख लो इसमें f जो है, इसमें देखो माइनस दो चार, माइनस एक एक, जीरो जीरो, फिर आपका एक एक और एक चार है। क्या आप a क्रॉस b करोगे तो ये सब नहीं मिलेगा उसमें, उसमें मिलेगा, उसमें ये मिलेगा। अगर ए क्रॉस बी करोगे तो वन ए टू बी और थ्री बी उसमें नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा ना, वो सबसेट होगा ना जी। तो जो फलन होता है वह एक संबंध ही होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको नियम से एक जानते हैं, एक उसमें एक नियम लग जाता है, उसी प्रोसेस की तरह वो चलता है, ठीक है ना जी। तो ये संबंध जो हो, संबंध जो होता है, हर एक संबंध फलन नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक फलन जो होता है वो संबंध होता है। ये देखो ये हमने जो एग्जांपल देखा था कि इसमें अवयव एक का दो प्रतिबिंब हो जाए, तो ये फलन नहीं था, लेकिन ये संबंध है, क्योंकि अगर एक क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें जो भी अवयव आएंगे वन ए वन बी टू टू बी और थ्री सी, ये सबसेट होंगे इसके ए क्रॉस बी के, इसलिए आपका संबंध हो जाएगा लेकिन फलन नहीं होगा। तो यहां से समझ में आया। अब इसके बाद देखिए इसमें तीन चीजें अब आती है, इसके प्रांत के बारे में बात कर लेते हैं, प्रांत की बात करते हैं, प्रांत यानी कि डोमेन। किसी फलन के डोमेन की जब आप बात करेंगे तो होल सेट ए उसका प्रांत कहलाता है, जो सेट ए है वही प्रांत कहलाएगा। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि देखो अगर वो फलन होगा तो पहले वाले समुच्चय के सभी एलिमेंट उसमें होंगे, इस सेट के सभी एलिमेंट यहां पर होंगे, तो जब सभी एलिमेंट यहां पर होंगे उस फलन एफ, अगर वो फलन हो रहा है तो उसमें ए के सभी अवयव शामिल हुए होंगे, और जब सभी अवयव शामिल होंगे तो वही तो उसका प्रांत हो जाएगा ना जी। अच्छा दूसरा सहप्रांत, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? तो होल सेट बी, सेट बी जो होगा, सेट बी जो होगा वह क्या हो जाएगा? सहप्रांत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सहप्रांत जो लिया जाता है दूसरे वाले सेट को लेंगे यहां पे, है ना जी। तो ये आपका सहप्रांत होल सेट बी कहलाएगा। अब बात करते हैं परिसर की, परिसर की, तो परिसर यानी कि रेंज की जब बात करेंगे तो इसमें सभी नहीं आएंगे, सेट बी के वो सभी नहीं आएंगे, इसमें वो आएंगे जो संबंध बना रहे होंगे, जो संबंध बना रहे होंगे, जो रिलेटेड होंगे बस वही, यानी कि नियम एफ के अधीन उसमें जो अवयव रिलेटेड होंगे वही उसका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है ना जी। यानी कहने का मतलब कि रेंज जो होगा, यहां पर लिख सकते हैं कि नियम, नीचे मैं लिख दूं मिटा के थोड़ा सा, नियम F के अधीन, नियम F के अधीन यहां पे समुच्चय, समुच्चय B के वे सभी अवयवों का समुच्चय जो जो A के अवयवों से
संबंधित हो, जो ए के अवयवों से संबंधित हो, यानी कि नियम एफ के अधीन समुच्चय बी के वे सभी अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों से संबंधित होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब देखिए इसमें हमने देखा यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो यहां पर इसका प्रांत क्या हो जाएगा, ये सेट ए, सह प्रांत ये सेट बी, और परिसर की जब बात आएगी तो परिसर में देखा जाएगा कि कौन से किससे रिलेटेड है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें के जो भी एलिमेंट है वो ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड है, इसमें सभी इन्वॉल्व है। अगर यहाँ कोई एक्स्ट्रा होता ना, एक्स्ट्रा जैसे मान लीजिए एक फाइव दे देता है ना, मान लीजिए सेट बी में मैं यहाँ पे फाइव दे देता हूँ, सेट बी में मैं एक एलिमेंट फाइव दे देता हूँ, तो ये फाइव छोड़कर बाकी जो रिलेटेड होंगे, यानी कि यहाँ पे इसका रेंज जो होगा, इसका रेंज जो होगा, इस रेंज रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसमें आ जाएगा 0, 1, 4। जो रिलेटेड होंगे वो, जो एक्स्ट्रा होंगे उसको छोड़ दे रहा होगा। हाँ, होल सेट बी वो आपका सहप्रांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परिसर होता है, जो रेंज होता है, वो हमेशा सबसेट होगा आपके कोडोमेन का, कोडोमेन का। ठीक है ना जी, रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। यानी कि यहां पे रेंज ऑफ फंक्शन की जब बात करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, रेंज ऑफ फंक्शन की जब बात करेंगे तो हमेशा सबसेट होगा किसके, बी का। अगर एफ ए से बी में फलन हो रहा है तो इसका रेंज जो होगा हमेशा बी का सबसेट होगा, ये ध्यान में रखना। तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा फलन का। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है।